हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति। आज हम जापान में जॉब हंटिंग कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे। हम ओवरऑल देखेंगे जापान की जॉब मार्केट कैसी है और हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जापान की जॉब मार्केट के बारे में और एक ओवरऑल स्केड्यूल देखेंगे कि जॉब हंटिंग कब होती है और कैसे होती है। ये एक छोटा सा वीडियो होगा जस्ट टू गिव यू सम वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जापान जॉब हंटिंग प्रोसेस। इसके बाद हम बहुत सारे और भी वीडियोस बनाएंगे इसी सीरीज में जिसमें कि हम जॉब हंटिंग के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ इज द जॉब मार्केट इन जापान। सो एक फैक्ट जापान की जॉब मार्केट के बारे में जो कि मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। ये ग्राफ आप मेरी एक स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो ग्राफ है ये एम्प्लॉयमेंट रेट है जापानीज यूनिवर्सिटी और कॉलेज ग्रेजुएट्स का फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ हैज़ ऑलवेज बीन मोर देन 91% एंड 2019 का इसमें लेटेस्ट फिगर है इन ऑलमोस्ट 97.8% है एम्प्लॉयमेंट रेट इन जापान विच इज वेरी हाई। इफ यू लुकिंग फॉर अ जॉब इन जापान यू विल सर्टनली लैंड अप इन वन। हो सकता है कि आपको अपनी पसंद की जॉब एक बार में ना मिले बट द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ जॉब ऑफर इज वेरी हाई। द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई स्पेशली इफ यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ जापानीज यूनिवर्सिटी। सो ऐसा क्यों है, इतना हाई एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है जापान का? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जापान में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आई एम श्योर देर आर अदर रीजंस एज वेल, और उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जापान की एजिंग पॉपुलेशन का। सो जापान में ओवर 65 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं दे मेक ऑलमोस्ट 30% ऑफ देयर पॉपुलेशन, और 15 ईयर्स ओल्ड से कम वाले लोग अंडर 15 ईयर्स ओल्ड आर ओनली 12%, विच मीन्स जापान में ज़रूरत है यंगर वर्कफोर्स की। कंट्री के पास अगर यंगर वर्कफोर्स नहीं होगी तो वो कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू यूज फॉरेन नेशनल्स। सो इसी वजह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसकी वजह से जापान में एम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन गोइंग अप कॉन्स्टेंटली। अब हम बात कर लेते हैं जापान में जॉब हंटिंग के बारे में। जापान में जॉब हंटिंग के लिए देर इज इमेंस पोटेंशियल, और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड पूल है ऑफ बायलिंगुअल ग्रेजुएट्स, यानी कि वहाँ पे जापानीज इंग्लिश, और अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो ऑब्वियसली आप वहाँ की लैंग्वेज में बोला करेंगे। सो ऐसे लोग बहुत कम हैं जिसकी विच मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर bilingual जॉब सीकर्स टू फाइंड अ जॉब इन जापान। जापनीज जॉब हंटिंग यानी कि शूशोकू खात्सुदो, हम जापनीज में शूशोकू खात्सुदो बोलते हैं इसको, ये जो इकोसिस्टम है ये बाकी कंट्रीज से बहुत अलग है। स्पेशली मैंने इंडिया और जापान दोनों का जॉब हंटिंग देखा है सो आई कैन कंपेयर इट वेल विद इंडिया। इंडिया में यूजुअली कंपनी में जब ओपनिंग्स होती हैं तो वो ओपनिंग कहीं पे भी डाल देते हैं, नौकरी पे, naukri.com पे या फिर लिंक्डइन पे, एंड कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर देम। हर कंपनी का अपना स्केड्यूल होता है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जापान में ऐसा नहीं है। जापान में जॉब हंटिंग एक बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रोसेस है। सारी कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करें, एक्सपीरियंस को नहीं बल्कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को। ज़्यादातर कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू ही हायर करती हैं। जापानीज कंपनीज एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी ज़रूर फोकस करती हैं लेकिन मोर देन द एकेडमिक परफॉर्मेंस उनके लिए कुछ और ट्रेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वो जब फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंटरव्यू करते हैं या स्क्रीन करते हैं तो वो ज़्यादातर देखते हैं कि उनमें कितना एम्बिशन है, कितना कैरेक्टर है, और कम्युनिकेशन स्किल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट दे लुक आउट फॉर। सारी कंपनीज ज़्यादातर सेम टाइम पे, सेम पीरियड में रिक्रूटमेंट करती हैं। रिक्रूटमेंट यूजुअली एक साल पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आप अगर अगले साल ग्रेजुएट करने वाले हैं
फोर्थ ईयर में ग्रेजुएट करेंगे, ऑफकोर्स आफ्टर सिंस ग्रेजुएशन इन जापान इज फॉर 4 ईयर्स, तो आपका थर्ड ईयर से ही जॉब हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये यूजुअली मार्च में स्टार्ट होती है। ये आपको मैं ये स्केड्यूल दिखाना चाहती हूँ, लाइक इट इज शोन ऑन द स्क्रीन। सो इट स्टार्ट्स इन मार्च ऑफ एवरी ईयर एंड कैन लास्ट अप टू 4 मंथ्स टिल जून। ये टाइमलाइन अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है एंट्री पीरियड। एंट्री पीरियड का मतलब है कि कंपनी जो है वो अपनी कंपनी का मटेरियल भेजती है और इन्फॉर्मेशन और स्केड्यूल भेजती है रिक्रूटमेंट का, जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनके पास। उसके बाद आ जाता है जॉब फेयर्स इन्फॉर्मेशन सेशंस, इनको सेत्सुमे काई भी बोला जाता है। ये कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं और कई बार बहुत सारी कंपनीज का एक साथ फेयर टाइप का भी लगता है, जहाँ पे कि आपको कंपनी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आ जाता है वो है सबमिशन ऑफ एंट्री शीट एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय कंपनीज। हर कंपनी एग्जाम नहीं लेती है, कुछ कंपनीज सिर्फ इंटरव्यूज ही लेती हैं, और लेकिन अगर वो कंपनी एग्जाम लेती है, इट कैन बी एन एप्टीट्यूड टेस्ट और इट कैन बी एनी टाइप ऑफ रिटन एग्जाम। ये सब कंडक्ट किया जाता है टिल मे, और उसके बाद मे के बाद इंटरव्यूज कंडक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव 2-3 इंटरव्यूज फॉर एनी कंपनी इन जापान। इस तरीके से कंपनी आपकी पर्सनालिटी और वे ऑफ थिंकिंग और ये जज करने की कोशिश करती है कि आप उस कंपनी के कल्चर में कितना ज़्यादा एडजस्ट कर पाएंगे, वेदर यू आर सूटेबल फॉर द कंपनी और नॉट। इंटरव्यूज के बाद आपको एक नाइटे मिलता है। नाइटे का मतलब है इट्स द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंपनी। नाइटे सिर्फ एक इंटेंशन होता है, द इंटेंशन फ्रॉम द कंपनी टू एम्प्लॉय यू। इट्स नॉट अ फाइनल एंड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट कॉन्टैक्ट यूजुअली नाइटे का जो होता है वो फोन से किया जाता है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स फॉलो। अक्टूबर तक आपको फॉर्मल लेटर मिल जाता है एम्प्लॉयमेंट का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सैलरीज कितनी होती हैं जापान में। सो मंथली सैलरी फॉर एनी ग्रेजुएट कैन बी अबाउट 1,50,000 रुपीज, विच इज 220,000 येन पर मंथ। एनुअल सैलरी कैन बी एनीथिंग बिटवीन 25 lakhs to 30 lakh रुपीज, विच इज अबाउट 3,500 येन। सो this is briefly about job hunting process in Japan. I hope you found this video useful. आप अगर ऐसे videos और भी देखना चाहते हैं, so follow me and subscribe this channel.